हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे। तो गाइज, अब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं पैसिफिक मॉल, जो कि हमारी वो चुकी गुम हो गई थी वो हमें मिल चुकी है। तो उनका कॉल आया था कि अभी आ जाओ। तो गाइज, हम अब निकल रहे हैं पैसिफिक मॉल के लिए, तो कि देखते हैं कि किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि वो फ़ोन पे इतनी इंक्वायरी ले रहे थे कि मतलब किस कलर की थी, उसमें जो छल्ला था वो कौन से कलर का था, कैसा था। तो वो जाके देखते हैं वो क्या इंक्वायरी करते हैं हमारी। तो देखते हैं गाड़ी वगैरह सब सही है या नहीं है। टेंशन लगी हुई थी रात की, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो गाइज, अब चलते हैं पैसिफिक मॉल। गाइज, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखा करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और पसंद आए ब्लॉग तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो चलते हैं पैसिफिक मॉल। तो हाँ जी गाइज, हम पहुंच चुके हैं पैसिफिक मॉल। तो अब चलते हैं उनके पास, हेल्प डेस्क के पास, और वहां पे जाके देखते हैं अब क्या होता है। ओए ओए, ध्यान से। हमें चाबी मिल चुकी है और अब हम देखते हैं, चलते हैं घर पे। अगर रास्ते में कुछ दिखा कुछ खाने को तो जरूर खा के जाएंगे, क्योंकि बहुत मन है खाने का, क्योंकि भूख काफी लगी हुई है, शाम से निकले हुए हैं। सो गाइज, एग्जिट कर लिया है और अब जा रहे हैं हम खाने पीने के लिए। हम आ चुके हैं रोल वाले के पास और हम यहाँ पे वेज रोल खा के जाएंगे। तो अरुण गए हुए हैं लेने, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो अरुण बोल रहे हैं यहाँ का फेमस है, तो देखते हैं खाने में कैसा होता है। हमने रोल खा लिया और बहुत टेस्टी रोल था। और आर्यन देखो। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो चलो। तो हाँ जी गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा रास्ते में ट्रैफिक था। तो उन्होंने वैसे कुछ खास इंक्वायरी नहीं की हमसे, बस वो ही चाबी वगैरह पूछी भी कौन सी है, आपकी गाड़ी का नंबर पूछा, बस ये सब इंक्वायरी की और हमें फिर चाबी दे दी थी। तो फाइनली चाबी आ चुकी है हमारे पास और सही है, स्कूटी भी ठीक ठाक है हमारी, मतलब कोई डैमेज वगैरह कुछ नहीं किया है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे छोड़ गए थे वैसी थी। हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज कंचन आ रही है मेरे से मिलने के लिए। मेरी फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड उसको तो मतलब कोई से भी रिश्ता बोलूँ वो भी कम है उसके लिए, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अब मैं मिलने जा रही हूँ उससे, तो वो मुझे मेट्रो पे कुछ देर के लिए मिले, क्योंकि वो ऑफिस में अपनी बिजी होती है, बिजी शेड्यूल होता है, तो इस वजह से हम मिल नहीं पाते हैं। तो आज फाइनली हम मिलने जा रहे हैं, एक मंथ बाद। वो मेरे बर्थडे पे आई थी, वन मंथ बाद हम उससे मिल रहे हैं। तो चलो चलते। सो गाइज, वैसे तो कभी उसने मेरा वेट नहीं मुझे करने दिया है, पर इस बार वो लेट है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो लेट हुई है और मैं उसका वेटिंग में हूँ मैं इस टाइम, नहीं तो अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक नहीं आई। मैं ऊपर भी आ चुकी हूँ उसकी चक्कर में कि चलो मैं ऊपर देख के आती हूँ, क्या पता थोड़ा सा लेट हो ही जाता है इंसान, तो ऊपर भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ रह गई है, फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गई है मैडम। सो गाइज, वो आ रही है कंचन। सो गाइज, ये मुझे मिल चुकी है पर कैमरे के आगे नहीं आ रही है। और बता कैसी है, कितने दिनों बाद मिल गया। सो गाइज, अभी आई हूँ मैं घर पर और उसे मिलके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे और फिर हमने थोड़ी सी दिल की गपशप की थोड़ी सी। फिर देन अब मैं घर पर आई हूँ, मम्मी भी साथ में गए थे मेरे, तो अभी जस्ट घर पर आई ही हैं। मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड रहना ही मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा हर एक मतलब हर एक चीज़ों से मेरी पता है, मेरे को भी पता है,
मतलब जो भी हमारी बात होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग भी मैच होती है, मतलब बहुत फास्ट फ्रेंड है ये मेरी, बहुत अच्छा लगता है इससे मिलके। पर इस बार तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं इसे देखते ही, क्योंकि एक महीना हो गया था हम बिल्कुल भी मिले नहीं थे। इसलिए कटवाने हैं क्योंकि ये ना जब इसके बाल बढ़ जाते थे बीमार बीमार सा और कमजोर कमजोर सा लगता, तो मैंने सोचा चलो कटिंग करवाते हैं लड़के की, है ना। आरव हेलो किया आपने, हेलो की है, हेलो की है, ऐसे हाथ है, बाय कर दो, चलो बाय कर दो, जा रहे हो ना, बाय कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। तो चलो चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, बैठने के लिए और इनके सेटअप तैयार किया कटिंग करवाने के लिए। तो गाइस इस पे बिठाया इसे और ये देख रहा था इधर उधर, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा मेरे साथ। तो देन उन्होंने फिर वो जो कपड़ा वगैरह लगाते हैं फिर उसके बाद वो लेने गए और फिर देन वो इसे कपड़े से इरिटेशन हो रही थी और इसने ये कपड़ा रिमूव करवाया, देन फिर कटिंग करवाई। कटिंग करवाते करवाते अचानक से रोने लगा, पता नहीं ये डर गया क्या हुआ, क्योंकि वाइब्रेट हो रहा था ट्रिमर तो उस वजह से डर गया, तो ये रोने लगा और इसने वीडियो भी शूट नहीं करने दी। तो बड़ी मुश्किल से इसने कटिंग करवाई, पानी भी नहीं पी रहा था, फिर हमने इसे पानी पिलाया किसी तरीके। तो देन फाइनली इसने कटिंग करवाई जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि हिल रहा था बार बार। सो आर्यन की कटिंग जो है हो चुकी है, वो इरिटेट हो रहा है बालों से और बहुत ज्यादा रोया है। आरू बहुत ज्यादा रोया है। अभी घर पर आई हूँ और आर्यन बाहर चला गया है, मैं पानी गर्म करती हूँ और इसको थोड़ा सा नहलाती हूँ। इसको नहला के तो उसके बाद व्हाइट वाले चने बनाए हैं, थोड़ा सा खाना खाना खाते हैं। और देन गाइस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखा करो, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, बेल आइकन प्रेस कर देगा ताकि आपको जैसे नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।